दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन नरेशन में। दोस्तों आज का वीडियो है करणी माता टेंपल के बारे में, या फिर आप इसे चूहों का मंदिर भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चूहों का मंदिर। दोस्तों असल में ये मंदिर टेंपल ऑफ रेड के नाम से भी फेमस है। तो दोस्तों करणी माता टेंपल राजस्थान के जिले में स्थित है, जो कि बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्चुअली इस टेंपल में 20,000 से ज़्यादा चूहे रहते हैं, और जब भी लोग करणी माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इन चूहों को भी पूजा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ये चूहे करणी माँ की ही संतान है। दोस्तों बात करें अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो दोस्तों कहा जाता है कि जब करणी माँ के बेटे लखन की मृत्यु हो जाती है, तो करणी माँ खुद यमराज से प्रार्थना करती हैं, और यमराज को विवश होकर उनके बेटे को एक चूहे के रूप में जीवित करना पड़ता है। तो दोस्तों यमराज जब उनके बेटे को चूहे के रूप में जीवित कर देते हैं, तो दोस्तों तब से ही इस मंदिर के अंदर चूहों को पूजा जाता है। दोस्तों यहाँ के चूहों को इतना पवित्र माना जाता है कि इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद पहले चूहों को खिलाया जाता है, उसके बाद लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, जो प्रसाद वहाँ मिलता है वो चूहों का झूठा होता है, पहले चूहों को उस प्रसाद से भोग लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में चूहे होते हैं कि आप ज़मीन पर अपने पैर आकर भी नहीं चल सकते, आपको अपने पैर जमीन पर घिसकर चलना पड़ता है। दोस्तों क्योंकि माना जाता है अगर गलती से भी आपके पैरों के नीचे कोई भी चूहा आ गया और वो चूहा मर जाता है, तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर किसी से गलती से ऐसा हो जाता है, तो इस पाप से मुक्त होने के लिए उसे चूहे की एक चांदी या सोने की मूर्ति को इसी मंदिर में स्थापित करना पड़ता है। और दोस्तों साथ ही जब आप पैर जमीन से घिसकर चल रहे होते हैं, अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर जाए, तो इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाए या फिर आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर जाए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।